Hello students, today we'll study history from class 10th and today we are going to continue with section 1 events and processes. Iska chapter number 1 the rise of nationalism in Europe hum pad rahe hain jiska aaj hum part 4 padhenge the making of Germany and Italy. To apne aaj ke is chapter mein hum padhenge kahani Germany aur Italy ke banne ki yani unke unify hone ki. So let's get started. वेल नेशनलिज्म जो बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट हुआ करता था कभी जिसका मतलब ये था कि हमें अपने देश में क्या लेके आना है डेमोक्रेसी लेके आनी है एक रेवोल्यूशन लेके आनी है. आफ्टर 1848 नेशनलिज्म सिर्फ क्या रह गया इट टर्न्ड इनटू अ मेयर सेंटिमेंट यानी सिर्फ एक सेंटिमेंट बन के रह गया. और उस सेंटिमेंट का क्या किया जाता था इट वॉज यूज बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर. तो ऐसे लोग जो कंजर्वेटिज्म में बिलीव करते थे वो आम लोगों को क्या करने लगे बरगलाने लगे नेशनलिज्म के नाम पे जबकि उनका मेन एम क्या होता था कि उन्हें सिर्फ अपनी जो स्टेट पावर है उसको और मजबूत बनाना है और प्रमोट करना है. तो जैसा कि हमने अब तक क्या पढ़ा था कि जर्मनी में ऐसे बहुत से लोग थे जो क्या चाहते थे कि जर्मन जो है जो एक जर्मन स्टेट का एक पूरा ग्रुप था वहां पे क्या कंसेप्ट आ जाए नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ जाए. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने एक पूरी पार्लियामेंट कन्वीन की थी सेंट पॉल चर्च में. तो वहां पे उनका मेन एम क्या था नेशन स्टेट का कंसेप्ट लेके आने का. तो इस तरह के जितने भी अटेम्प्ट्स होते थे रेवोल्यूशनरीज के द्वारा या ऐसे बहुत से लोगों के द्वारा जो नेशन स्टेट को लेके आना चाहते थे जर्मन में उनको क्या कर दिया जाता था लिबरल इनिशिएटिव जो होते थे उन्हें क्या कर दिया जाता था इट वॉज रिप्रेस्ड बाय मोनार्की मिलिट्री एंड जंकर्स. तो ये जो ग्रुप था ना एक पूरा मोनार्की मिलिट्री और जंकर्स का वो इस तरह के सारे प्रयासों को खत्म कर दिया करते थे. जंकर्स हम कहते हैं लैंड ओनर्स को. प्रूशिया जो कि जर्मन नेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ है जिसकी एक बहुत आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ जो इंपॉर्टेंस थी जर्मन हिस्ट्री में. तो वहां के जो लैंड ओनर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था जंकर्स. अब प्रूशिया जिसके बारे में मैंने कहा है कि एक बहुत उसकी अपनी इंपॉर्टेंस थी बेसिकली वो किस वे में इमर्ज हुआ है जर्मन की हिस्ट्री में कि एक बहुत ही पावरफुल ऐसा लीडिंग आप कह सकते हैं एरिया रहा जिसने बाद में जर्मनी को यूनिफाई होने में हेल्प की. तो अगर प्रूशिया की इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानना होगा हमें ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में. तो आप जिन्हें यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये हैं ऑटो वन बिस्मार्क. अब ऑटो वन बिस्मार्क का एक अल्टीमेट गोल था कि जितनी भी जर्मन स्टेट्स हैं जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी इन्हें एक स्ट्रांग जर्मन एम्पायर हमें बनाना होगा. और इनका ये मानना था कि प्रूशिया जो है उसे हम एक सेंट्रल कोर के जैसे इस पूरे जर्मन एम्पायर में रखेंगे. जैसे अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं तो इंडिया की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है ये शुरू से ही एक सीट ऑफ पावर रहा है यानी एक कोर रहा है हमारे पूरे कंट्री की. तो प्रूशिया भी उसी तरह से कोर रहा है जर्मन हिस्ट्री की. एंड ऑटो वन बिस्मार्क एक बहुत ही काबिले तारीफ चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने कि इस पूरे मैटर को लीड किया था. पर यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि भले ही ये चाहते थे कि यूनिफिकेशन हो जाए और जर्मनी जो है कंप्लीट यूनिफाइड एक कंट्री बन जाए बट इन्होंने कभी भी लिबरलिज्म को फेवर नहीं किया था ना ही डेमोक्रेसी को फेवर किया था. रैदर इन्होंने क्या किया था इन्होंने मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया था जिसके बेसिस पे इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था. और जो ऑटो वन बिस्मार्क है इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है जर्मन हिस्ट्री में. रीजन बींग कि इन्होंने क्या किया था जर्मनी की यूनिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. अब इन्होंने जब ये अपना एक पूरा प्लान आउट किया था जिसमें इन्होंने कुछ मिलिट्री एक्सपेडिशन भी की थी. अब बेसिकली हुआ ये था कि तीन युद्ध लड़े गए थे जिसमें ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस जो था इनके अगेंस्ट इन्होंने युद्ध लड़े. बेसिकली प्रूशियन आर्मी जो थी वही ये युद्ध लड़ रही थी और ये युद्ध चले थे पूरे 7 साल तक. 7 साल ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ युद्ध लड़ने के बाद प्रूशिया जो था इसे जीत हासिल हुई. और प्रूशिया की जीत का मतलब था जर्मनी की यूनिफिकेशन होना. और जिस दिन जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई उस दिन क्या चीज की गई प्रूशियन किंग काइजर विलियम वन जो थे ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ जर्मनी इन 1871. तो बेसिकली जैसा कि हमने कहा कि प्रूशिया जो था इसकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो ये कोर था कोर स्टेट के तौर पे इसने रोल प्ले किया. एंड सारी जो भी आर्मी एक्सपेडिशन हुई
वो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क के अंडर हुई। तो जैसे ही इन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को युद्ध में हराया और जर्मन यूनिफिकेशन की ओर बढ़े, तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि 1871 में प्रूशिया के ही राजा कैजर विलियम वन को अब क्या बना दिया गया, जर्मनी का किंग बना दिया गया। तो 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली हुई थी जिसमें हर जर्मन स्टेट के प्रिंसेस जो थे और आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सब शामिल हुए थे, और यहाँ पे प्रूशिया के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स भी शामिल हुए थे। और उस सेरेमनी में, जो कि हुई थी पैलेस ऑफ वर्सैलस में, काइजर विलियम को जर्मनी का राजा जो था वो घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे इस प्रोसेस में आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्योंकि प्रूशिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उसकी डोमिनेंस भी बहुत ज्यादा रही है जर्मनी के जितने भी वहां पे, आप कह सकते हैं आगे चल के जो भी वहां पे मेजर्स लिए गए या जो भी वहां पे नए कानून बने, उस सब में प्रूशिया का एक अपना बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहा, इम्पैक्ट रहा। और जैसे ही जर्मनी यूनिफाई हुआ, तो जर्मनी की बेटरमेंट के लिए, वहां के लोगों की बेटरमेंट के लिए कुछ सुधार भी किए गए, जैसे कि एम्फेसिस वॉज लेड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। तो सबसे बड़े सुधार इन्होंने किए कि जितना भी बैंकिंग और करेंसी सिस्टम था उसको सही ढंग से इम्प्रूव किया गया ताकि वो एक सही सुचारू रूप से चल सके, और साथ ही जो लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम था उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्क किया गया, क्योंकि ये क्या चाह रहे थे कि जर्मन नेशन जो है एक मॉडल नेशन के तौर पे उभर के आए। एंड यस, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्योंकि प्रूशिया को एक कोर के तौर पे देखा जा रहा था, एक सीट ऑफ पावर के तौर पे, तो जितने भी मेजर्स जो थे या जितने भी उनकी प्रैक्टिसेस जो थी वो बाद में पूरे जर्मनी के लिए एक, आप कह सकते हैं, मॉडल बन के उभरी और पूरा का पूरा जर्मनी जो था उसको फॉलो करता चला गया। सो अब जब हमें पता चल चुका है कि जर्मनी की यूनिफिकेशन किस तरह से हुई है, मिलिट्री एक्सपीडिशन से हुई है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई। और इटली की यूनिफिकेशन से पहले हमें जानना होगा कि इटली एक्चुअली में कैसा था। वेल, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस डायनेस्टीज। अब अगर आप इस मैप में देखें तो ये जितना आपको ये पार्ट सारा नजर आ रहा है ये बेसिकली इटली है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बटा हुआ है। आपको यहाँ पे किंगडम ऑफ सार्डिनिया दिख रहा है, फिर पेपल स्टेट्स भी दिख रहा है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी दिख रहा है, तो ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। बेसिकली यहाँ पे क्या सिस्टम था कि ये 7 स्टेट्स में डिवाइड हो रखा था। अब इनकी डिविजन कैसे थी वो भी समझ लीजिए। अगर हम बात करें इटली के नॉर्दर्न पार्ट की, तो नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर आता था। अब हैब्सबर्ग जो था ये ऑस्ट्रियन एम्पायर था। ऐसे ही जो इसका सेंटर था ना, वहां पे पोप का राज चलता था। वेयर एज अगर हम साउथ की बात करें, जो यानी इसका सदरन रीजन था, वहां पे बर्बन किंग्स थे, और ये स्पेन के बर्बन किंग्स थे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है, कि आज हम जिसे पूरे इटली के तौर पे देखते हैं वो इटली नहीं था, वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे कि आपको यहाँ मैप में भी दिख रहा है, उसको अलग अलग कलर्स के साथ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि आप उसकी डिवीजन देख सके। और यहाँ पे एक चीज जो थी सिर्फ, वो ये कि सिर्फ किंगडम ऑफ सार्डिनिया जो आप देख रहे हैं ना, सिर्फ एक यही ऐसा रीजन था, सार्डिनिया और पीडमोंट रीजन, जहां पे कि एक इटालियन राजा का राज चल रहा था। वरना क्या चल रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है नॉर्थ में, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर चल रहा है ना एक तरफ, फिर अगर साउथ में आ जाते हैं तो वहां पे कौन आ गया, वहां पे बर्बन किंगडम का राज चल रहा है जो कि स्पेनिश था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या चीज थी कि इटालियन लैंग्वेज जो बोली जा रही थी वो भी एक कॉमन फॉर्म में नहीं थी, मतलब सबके जो बोलने का ढंग था, जो एक रीजनल या एक कह सकते लोकल जो था, वो वेरिएशन आ जाता था। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि इटली की सिचुएशन क्या है, कि वो बटा हुआ था अलग अलग हिस्सों में। एंड अगर आपको याद हो, हमने एक प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था जुजेपे मजीनी के बारे में, तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कौन है, यह है जुजेपे मजीनी। अब मजीनी की सोच क्या थी कि उन्हें यूनिफाई करना था इटली को, बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे कि इटली हमेशा ऐसे बटा रहे, एक फ्रेगमेंट्स में ऐसे बटा रहे, तो वो क्या चाहते थे कि इसका क्या हो जाए, यूनिफिकेशन हो जाए। एंड यूनिफिकेशन होने के लिए उन्होंने कितने सारे रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट्स भी किए थे। एक उनकी सीक्रेट सोसाइटी भी उन्होंने बनाई थी जिसका उन्होंने क्या नाम रखा था, यंग इटली।
तो अपने कुछ गोल्स को फुलफिल जो वो करना चाहते थे कि इटली जो है वो यूनिफाई हो जाए, वहां पे नेशनलिज्म आ जाए, एंड देन वो क्या चाहते थे कि वहां पे लिबरलिज्म आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी और वो अपनी तरफ से अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कैरी भी कर रहे थे। बट लेटर ऑन क्या होने लग गया था कि बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स हुआ करते थे वो फेल होने लग गए, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी थे उनको सप्रेस किया जाने लगा। जो मोनार्क्स थे वो क्या चाहते थे कि उनका ही राज चले, कंजर्वेटिज्म ही रहे, तो जितने भी क्रांतिकारी होते थे उनको तंग परेशान किया जाने लगा, उन्हें सप्रेस किया जाने लगा। तो ऐसे टाइम में जो ये यूनिफिकेशन की जो जिम्मेदारी थी ये किसके कंधों पे आई? किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के। तो जिन्हें आप ये इमेज में देख रहे हैं ये कौन है? ये है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, और ये कहाँ के राजा थे? सार्डिनिया पीडमोंट के। मैंने अभी आपको बताया था कि सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट एक ऐसा एरिया था जहां पे एक इटालियन रूलर का राज था, और जब इनके शोल्डर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको वॉर के थ्रू ही पूरा करेंगे। अब यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि जैसे जर्मनी जो था उसको यूनिफाई करने के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, सिमिलरली इटली को भी यूनिफाई करने के लिए यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो उन चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? ही वॉज चीफ मिनिस्टर कैवर। तो जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं ये कौन है? ये है चीफ मिनिस्टर कैवर, जो कि इमैनुअल जो किंग थे उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, और ये फेमस थे अपनी डिप्लोमेसी स्किल्स के कारण। इनकी डिप्लोमेसी स्किल्स के कारण ही इन्होंने कुछ इस तरह का एक सिस्टम तैयार किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो फ्रांस था उसने सार्डिनिया पीडमोंट के साथ हाथ मिला लिया, और बाद में एक युद्ध लड़ा गया इन द ईयर 1859, जिसे इटालियन वॉर ऑफ 1859 कहा जाता है। ये युद्ध जो था ये ऑस्ट्रियन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ा गया था, और इसमें अच्छी चीज ये हुई थी कि इसमें सार्डिनिया पीडमोंट को जीत मिली थी, और उन्हें जितना हिस्सा ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर आता था उस पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने का मौका मिल गया था। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली थी वो ये थी कि जितने भी वॉर्स बाद में कंडक्ट हो रहे थे उसमें सिर्फ जो रेगुलर ट्रूप्स थे यानी सोल्जर्स थे वही सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहे थे, बहुत से जो आम लोग थे वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में इन्हें ज्वाइन करने लगे थे, वॉलंटरीली मदद करने लगे थे, युद्ध में जाने लगे थे, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि इटली जो है वो यूनिफाई हो जाए, वो इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटा ना रहे। तो जिस वक्त ये युद्ध लड़े जा रहे थे उस वक्त एक और शख्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंस गेन करते जा रहे थे, जिन्हें की लोग पसंद करते थे और वॉलंटरीली उन्हें ज्वाइन करना चाहते थे, उनका नाम है जुजेपे गैरिबाल्दी। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये है जुजेपे गैरिबाल्दी। ये बेसिकली कौन थे? ही वॉज इटालियन जनरल एंड नेशनलिस्ट। ये एक रिपब्लिकन थे, मतलब इनका क्या कहना था कि हमें नेशनलिज्म लेके आना है, और ये रिपब्लिकन थे और ये क्या चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो जाए। किंग के जनरल थे और बहुत से युद्ध लड़ रहे थे क्योंकि इन्हें अपने देश को यूनिफाई करना था, और लोग इनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस थे कि वो वॉलंटरीली खुद भी युद्ध में हिस्सा ले रहे थे क्योंकि उन्हें इनको सपोर्ट करना था अपने देश को यूनिफाई करने में। अब गैरिबाल्दी ने क्या किया कि 1860 में ना इन्होंने अपनी फोर्सेस जो थी ये साउथ इटली में ले गए, वहां पे इन्होंने युद्ध लड़ा, और बाद में 1861 में द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो था उसे इन्होंने जीत लिया। इसे जीतने के लिए इन्हें जो सबसे ज्यादा मदद मिली थी वो मिली थी लोकल पीजेंट से। अब जैसा कि हमने आपको कहा कि ना सिर्फ जो नॉर्मल जो रेगुलर ट्रूप्स थे यानी सोल्जर्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, बल्कि आम लोग भी हेल्प कर रहे थे क्योंकि वो गैरिबाल्दी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे और वो चाहते थे देश को यूनिफाई करना। तो एक बहुत बड़ी चीज हुई थी कि जो ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था यहाँ पर भी अब क्या हो गया है, जीत हासिल कर ली थी गैरिबाल्दी ने उनके ट्रूप्स ने, और साथ ही साथ इसमें मदद मिली थी उनको लोकल पीजेंट्स के द्वारा। तो अब जब एक एक करके जो सार्डिनिया पीडमोंट के राजा हैं और जो उनके मिलिट्री लीडर हैं उनको धीरे धीरे करते स्टेप बाय स्टेप सारे एरियाज में जीत मिलती जा रही थी, तो क्या हुआ 1861 में विक्टर इमैनुअल जो थे इन्हें घोषित कर दिया गया इटली का राजा। तो अब अगर आप मैप को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक यूनिफाइड इटली दिखाया गया, उसको अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ नहीं दिखाया गया है। सो 1861 में क्या हुआ है कि जो किंग इमैनुअल सेकंड है इन्हें बना दिया गया है किंग ऑफ इटली,
एंड इटली जो था ये यूनिफाई होके एक कंप्लीट नेशन स्टेट बन गया। तो अब तक हमें ये पता चल चुका है कि जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ और इटली कैसे यूनिफाई हुआ, जिसमें कि हमने नोटिस ये किया है कि हर जगह वॉर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी युद्ध जो है वो लड़े जा रहे हैं, ओनली देन ये पॉसिबल हो पा रहा है कि देश जो है यूनिफाई हो पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंज केस किसका आता है यहाँ पे, ब्रिटेन का। सो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं, एक बेहद स्ट्रेंज केस था। रीजन वॉज कि फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट वॉज नॉट ड्यू टू सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। ना तो वहां पे एकदम से कोई क्रांतिकारी घटना हुई, ना ही वहां पे कोई ऐसा युद्ध हुआ। तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेंज केस था कि फिर आखिर जो ये ब्रिटेन था ये यूनिफाई कैसे हुआ। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हाउ ब्रिटेन यूज्ड टू बी, यानी ब्रिटेन बेसिकली होता कैसा था शुरुआत में। तो जो ये ब्रिटेन था, अगर हम बात करें 18th सेंचुरी के टाइम की, तो उस वक्त ये नेशन स्टेट नहीं था। बेसिकली इट वाज इनहेबिटेड बाय इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स एंड आयरिश। यानी यहाँ पे क्या था, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे जो रह रहे थे, जिनके अपने अलग एक कल्चर था, अपनी एक अलग सोच हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत जल्द ये देखने को मिला कि इंग्लिश नेशन जो था, इट ग्रू इन वेल्थ एंड पावर एंड इट गेन्ड इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ आयरलैंड। तो जैसे जैसे जो ये इंग्लिश ग्रुप था, क्योंकि ये वेल्थ में ग्रो करते जा रहे थे, इनकी पावर बढ़ती जा रही थी, तो साथ ही साथ इनका इन्फ्लुएंस यानी इनकी डोमिनेंस भी इस पूरे आइलैंड पे बढ़ती जा रही थी। तो जब इनकी डोमिनेंस बढ़ती जा रही थी, तो जल्द ही इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ये कोशिश की कि बाकी जितने भी आइलैंड में नेशंस है ना, इन्होंने सोचा कि हम वहां पे अपनी पावर को एक्सटेंड करते हैं। एंड इसके लिए भी डिफरेंट तरीका था इनका कुछ। तो ये चेंजेस जो थे ये कैसे हुए, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, इसने सीज कर दी थी पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। यानी 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या कहा कि जो राजा है, जो मोनार्की है, उसकी पावर को खत्म किया जा रहा है। पहली चीज तो ये जो कि इंग्लैंड में देखने को मिली थी। अब जैसे हमने कहा कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे थे, तो एक एक्ट हुआ था 1707 में। अब एक्ट जो हुआ था किनके बीच में, इट वाज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हमने अभी कहा कि वहां पे क्या वॉर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा वेल्दी है, तो ये अपना इन्फ्लुएंस उसी बेसिस पे बढ़ाते जा रहे हैं दूसरे एरियाज पे। तो इसी की वजह से इन्होंने क्या किया कि एक एक्ट साइन किया 1707 में, जिसमें स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को इकट्ठा मान लिया गया, एक साथ ज्वाइन कर लिया गया, और इन्हें क्या कहा जाने लगा कि ये बेसिकली क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम है, कहाँ के, ग्रेट ब्रिटेन के। तो अब जैसे ही ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बना है, कौन, स्कॉटलैंड, तो वहां पे इंग्लिश लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जाके अपनी डोमिनेंस, अपनी बॉसशिप वहां पे दिखानी शुरू कर दी। उसके लिए वहां पे कुछ चीजें की गई, जैसे कि पहली बात तो ये हुई कि जितने भी स्कॉटलैंड में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स थे ना, जो उनका कल्चर था, इस सबको सप्रेस करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट, यहाँ तक की भी फोर्स किया गया कि जो स्कॉटिश लोग थे उनकी अपनी एक लैंग्वेज हुआ करती जिसे कहा जाता है गेलिक लैंग्वेज, तो इसे भी उन्होंने कहा कि आप नहीं बोलेंगे, आप ये लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस थी उसको भी उन्होंने पहनने को मना कर दिया कि आप अब ये भी नहीं पहनेंगे, आप टोटली जो है, जो हमारा कल्चर है, इंग्लिश कल्चर है, उसको फॉलो कीजिए, हमारी लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो इंग्लैंड है वो सिर्फ इस वजह से अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि एक उसके पास पैसा ज्यादा है और दूसरा उसकी एक अपनी पावर बढ़ती जा रही है अपने पैसे की वजह से, और इसी वजह से वो लोगों को डोमिनेट कर रहा है, उनके कल्चर को भी डोमिनेट कर रहा है। अब ऐसा ही कुछ सीन जो था वो आयरलैंड के साथ भी हुआ। आयरलैंड हालांकि इनके साथ नहीं मिलना चाहता था, बट क्योंकि ये अपना एक पूरा इनका डोमिनेंस था, तो इन्होंने इन पे भी कुछ प्रभाव छोड़ा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से चले, और उस चीज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आयरलैंड बेसिकली कैसा हुआ करता था ब्रिटेन में ज्वाइन करने से पहले। सो हाउ आयरलैंड बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटेन, ये समझना है अगर, तो पहले हमें ये जानना होगा कि जो ये कंट्री था ना, इट वॉज डिवाइडेड अमंग कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अब जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें भी आगे सब डिवाइडेड होते हैं ग्रुप्स, एक होते हैं कैथोलिक्स, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स। इनकी सोच एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बेसिकली जो इंग्लिश लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को ना सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
इनका मेन एम क्या था कि आप दोनों में से किसी एक ग्रुप को सपोर्ट कर लो सो दैट दूसरे ग्रुप को हम सप्रेस कर लें और धीरे धीरे हम इस तरह का माहौल खड़ा कर देंगे कि बाद में हमारी ही डोमिनेंस जो है वो बढ़ जाए। व्हाट दे डिड वाज कि इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को किया सपोर्ट और जितने भी कैथोलिक्स थे उनको बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाने लगा। जब कैथोलिक्स ने जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया तो उनको सप्रेस किया गया, उन पर अत्याचार किए गए और उनको बहुत ज्यादा परेशान भी किया गया। अब ऐसा ही एक रिवोल्ट जो था इसको किसने कैरी किया था, वुल्फ टोन ने। जो वुल्फ टोन थे ये एक रेवोल्यूशनरी थे एंड ही फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड यूनाइटेड आयरिशमैन। इन लोगों ने रिवोल्ट किया था 1798 में, बट क्योंकि ब्रिटिश पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग थे, तो इन्होंने क्या किया था, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे रिवोल्ट को क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था, सब खत्म कर दिया था। एंड फाइनली क्या हुआ था, 1801 में जो आयरलैंड था ना इसको फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आपने चीज देखी है कि इंग्लिश कल्चर जो है वो डोमिनेट होता जा रहा है अलग अलग हिस्सों के ऊपर। कहीं पे इन्होंने अपना डिप्लोमेसी प्ले की है, कहीं पे इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा और इस वजह से इन्होंने जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे उनको अपने बीच में एड अप कर लिया और बाद में क्या हुआ, अ न्यू ब्रिटेन नेशन वॉज फॉर्म्ड। तो यानी हो क्या रहा है कि जर्मनी में भी वॉर लड़े जा रहे हैं बहुत जबरदस्त लेवल पे, पूरे 7 साल तक लड़े जा रहे हैं अलग अलग एम्पायर्स के साथ, फिर जाके वहां पे यूनिफिकेशन हो रही है। इटली में भी सेम कुछ सिचुएशन है कि वहां पे भी क्या कर रहे हैं, कभी स्पेनिश रूलर्स के साथ लड़ा जा रहा है जो वॉर है और कभी ऑस्ट्रियन रूलर्स के साथ लड़ा जा रहा है वॉर, ताकि क्या हो जाए, इटली को यूनिफाई कर सके। लेकिन ब्रिटेन में क्या चल रहा है, या तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का किसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्ट्स बनाए जा रहे हैं, या फिर क्या किया जा रहा है कि कल्चरल डोमिनेंस जो है वो की जा रही है, आप अपनी भाषा अपना कल्चर दूसरों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या फिर उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। नहीं तो क्या किया जा रहा है, जैसे कि आयरलैंड के केस में क्या था कि एक ग्रुप को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया गया सो दैट दूसरा ग्रुप जो है अपने आप एलिमिनेट होता चला जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने देखा कि अलग अलग हिस्सों में यूनिफिकेशन जो था वो फाइनली होता चला गया, जर्मनी भी यूनिफाई हो गया, इटली भी यूनिफाई हो गया एंड फाइनली जो ब्रिटेन नेशन था वो भी फॉर्म अप हो गया। तो यहाँ इमेज में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे आयरलैंड है और ये है स्कॉटलैंड और ये अब सब जो है ये ब्रिटेन का हिस्सा बन चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो।